19 मई 2024 को ईरान से खबर आई थी कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। उस वक्त हेलीकॉप्टर में उनके साथ ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहिन समेत कुल 9 लोग सवार थे, लेकिन रात होते होते तुर्की के ड्रोन ने उस जगह को ढूंढ लिया जहां पर रायसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और 20 मई 2024 को ईरान ने आधिकारिक रूप से रायसी समेत सभी 9 अधिकारियों की मृत्यु की घोषणा कर दी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि कहीं ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की तरह रईसी की हत्या तो नहीं कर दी गई। और अब इसको लेकर न्यूज एजेंसी पॉलिटिको ने एक ऐसा खुलासा किया है जो बेहद ही सनसनीखेज है। दरअसल पॉलिटिको ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि शुरुआती तौर पर ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि रईसी की मौत को लेकर अमेरिकी अधिकारियों को डर सता रहा था कि कहीं इस घटना से तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को चिंता थी कि कहीं रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश का इल्जाम ईरान, अमेरिका या इसराइल पर न लगा दे। हालांकि ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA का कहना है कि रईसी का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ था, जबकि राहत बचाव कार्य खराब मौसम, कोहरा और बारिश की वजह से प्रभावित हुआ था। और जब रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो उस वक्त अमेरिका बेहद ही चौकन्ना हो गया था और वो इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए था कि ईरान रईसी की मौत को लेकर कैसे प्रतिक्रिया देता है। न्यूज एजेंसी पॉलिटिको के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या ईरान इसराइल या अमेरिका पर हेलीकॉप्टर को क्रैश कराने का आरोप लगाएगा। हालांकि उस वक्त इसका कोई संकेत नहीं मिला था। हालांकि रईसी की मौत को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। ईरान के साथ संबंध खराब होने के बावजूद अमेरिका ने रईसी की मौत को लेकर आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि प्रकट की थी और सर्च ऑपरेशन में ईरान की मदद का हाथ भी बढ़ाया था। हालांकि इसराइल के विपक्षी नेताओं ने साफ कह दिया था कि वो रईसी की मौत पर एक बूंद आंसू नहीं बहाएंगे। बड़ी बात यह है कि पिछले महीने ही सीरिया में ईरानी दूतावास पर एक हवाई हमले में ईरानी सेना की कुछ फोर्स के कमांडर मोहम्मद जाहेदी और उनके डिप्टी कमांडर मारे गए थे। ईरान ने इस हमले का आरोप इसराइल पर लगाया था और अब जब रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो इसको लेकर भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं इस घटना में इसराइल या अमेरिका का हाथ तो नहीं है।